गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लास. दिस इज मंजू हेडा. टूडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर 3 सब्ट्रैक्शन. इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीट 3, 4, 5 डिजिट सब्ट्रैक्ट. नाउ टूडे वी डिस्कस 6 डिजिट सब्ट्रैक्ट. ओके, देन ओपन योर बुक नोटबुक. सब अपनी बुक नोटबुक ओपन करिए. उसमें पेज नंबर 53, बुक में पेज नंबर 53, एक्सरसाइज 3.1 ओपन करिए. सब बुक और नोटबुक ओपन करिए. देन क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. तो चलिए हम करते हैं. ए देखिए, ये डिजिट दे रखी है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ये नंबर्स हैं, 2 नंबर्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स को रीड करेंगे. देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh. लैख तक दे रखा है, 6 डिजिट में नंबर्स हैं. देखिए अब हम इसको कैसे रीड करते हैं. हम पढ़ेंगे इसको 8,34,567. ठीक है, वापस रिपीट करती हूँ मैं, 8,34,567. देन नेक्स्ट नंबर है 5,52,476. अब हमें इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट. तो सबसे पहले चलिए हम करते हैं वंस डिजिट से सब्ट्रैक्ट. वंस में क्या दे रखा है, 7, then 6. तो 7 में से 6 माइनस करेंगे. देखिए आपके पास आपकी मम्मा ने 7 टॉफीज दी हैं, 7 में से आपने 6 टॉफीज खा ली है. तो आपके पास कितनी टॉफीज बची, 1. कितनी बची, 1. आप फिंगर में भी काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 में से 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 हमने माइनस कर दिया, आंसर हुआ 1. तो इस तरीके से हम 1 डिजिट को हम माइनस करेंगे. देन अब करते हैं 10 डिजिट को माइनस. देखिए यहाँ ऊपर नंबर है 6, then 7. 6 में से 7 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता. क्यों, क्योंकि 6 जो है ऊपर स्मॉलेस्ट डिजिट है और 7 बड़ा नंबर हो गया. 6 ऊपर छोटा है और नीचे 7 बड़ा हो गया. तो 6 क्या करेगा, अपने बगल वाले नंबर से बोरो लेगा, यानी 100 प्लेस में क्या है, 5 से ये बोरो लेगा 6. तो 6 हो जाएगा 16 और 5 हो जाएगा 4. देखिए इस तरीके से 6 हो जाएगा 16 और 5 हो जाएगा 4, क्योंकि इसने इसको इससे बोरो लिया है. अब 16 में से 7 जा सकता है क्या, यस जा सकता है. कैसे, काउंट करते हैं. चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, then 16. 16 में से 7 को हमें माइनस करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितना बचा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then 9. यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी 10 स्पेस में आ जाएगा 9. इसी तरीके से 4 है 100 के, तो 100 के प्लेस में क्या है, 4. 4 में से 4 को हमें क्या करना है, माइनस. 4 में से 4 माइनस किया तो आंसर आया आपका 0. देखिए इस तरीके से 0 आ जाएगा 100 के प्लेस में, क्योंकि 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा अपना 0. देन 1000 के प्लेस को करते हैं. 1000 में क्या है, ऊपर 4 है नीचे 2 है, तो 4 में से 2 को हमें माइनस करेंगे. 4, 1, 2, 3, 4. 4 में से 2 माइनस करना है, 1, 2.
कितना बचा? वन टू, यहाँ आ जाएगा टू थाउजेंड की प्लेस में। इसी तरीके से टेन थाउजेंड की प्लेस क्या दे रखा है? थ्री और नीचे फाइव। थ्री में से फाइव जा सकता है? नहीं जा सकता है, तो हम ये थ्री इससे बोरो लेगा, यानी लेफ्ट में एट है जो उससे बोरो लेगा, यानी एट हो जाएगा सेवन। एट क्या हो जाएगा? सेवन हो जाएगा और थ्री हो जाएगा थर्टीन। देखिए इस तरीके से, अब थर्टीन में से फाइव जा सकता है? यस जा सकता है। थर्टीन में से फाइव को हम क्या करेंगे? माइनस। तो काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व देन थर्टीन। थर्टीन में से हमें किसको माइनस कर रहे हैं? फाइव को। वन टू थ्री फोर फाइव, कितना बचा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अपना आंसर आया एट, यानी टेन थाउजेंड में आया एट। अब देखिए लेफ्ट में क्या है? सेवन। सेवन में से फाइव को हम करते हैं माइनस, तो सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। सेवन में से फाइव को हम माइनस करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, कितना बचा? वन टू, क्या है यहाँ पर? टू। तो देन अपना आंसर आया, इसको रीड करते हैं, क्या आंसर आया अपना? टू लैख एटी टू थाउजेंड नाइनटी वन। टू लैख एटी टू थाउजेंड नाइनटी वन। इस तरीके से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए ये सब्ट्रैक्ट हुआ, अब हम करते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से देखिए, या वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड देन लैख। अब हम सबसे पहले वंस की डिजिट को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। देन करते हैं फोर और नीचे है सेवन। फोर में से सेवन जा सकता है? नो नहीं जा सकता है, तो फोर इससे बोरो लेगा। फोर हो जाएगा फोर्टीन। फोर क्या हो जाएगा? फोर्टीन और फाइव हो जाएगा फोर। देखिए इस तरीके से, अब हम फोर्टीन में से सेवन को माइनस करेंगे। फोर्टीन में से सेवन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? काउंट करिए जल्दी से। यस फोर्टीन में से सेवन माइनस करेंगे तो बचेगा सेवन। इसी तरीके से यहाँ पर ये फोर है, फोर में से सिक्स जा सकता है? नहीं जा सकता है, तो फोर भी इससे इससे कैरी लेगा, यानी अपने बगल वाले नंबर से हंड्रेड से, तो ये फोर हो जाएगा थ्री और यहाँ हो जाएगा फोर्टीन। क्या हो जाएगा? फोर्टीन। अब हमें फोर्टीन में से सिक्स माइनस करना है, तो चलिए काउंट करिए, माइनस करिए इसको फोर्टीन में से सिक्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। फोर्टीन में से हम सिक्स माइनस कर देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना बचा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पर आया एट। इस तरीके से अब नेक्स्ट हंड्रेड की प्लेस थ्री। थ्री में से थ्री माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। क्या आया? जीरो। देन थाउजेंड, टू में से वन माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वन, यहाँ पर आएगा वन। इसी तरीके से टेन थाउजेंड की प्लेस में सेवन है और नीचे नाइन है, सेवन में से नाइन नहीं जा सकता है, तो सेवन इससे बोरो लेगा, ये हो जाएगा फोर, देन सेवन हो जाएगा सेवेंटीन। तो चलिए सेवेंटीन में से नाइन को हम माइनस करते हैं, काउंट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन। सेवेंटीन में से नाइन को हमें माइनस करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितना बचा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पर आ जाएगा एट। फोर में से टू को, वन टू थ्री फोर, फोर में से टू माइनस कर दिया, बचा टू। इस तरीके से तो अपना आंसर आया टू लैख एटी वन थाउजेंड एटी सेवन। टू लैख एटी वन थाउजेंड एटी सेवन। इस तरीके से अपना ये दूसरा वाला सब
पूरा हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द मिसिंग सेल। देखिए इसमें मैं ए वाला पार्ट कर रही हूँ, आपको समझाऊंगी, इसी तरीके से ये सारे करने हैं। तो स्टूडेंट चलिए करते हैं फिल इन द मिसिंग सेल। देखिए आपके पास ये सब्ट्रैक्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन है, ये ब्लॉक बने हुए हैं, देखिए 3 ब्लॉक खाली है। अब हमें यहाँ पर नंबर बताना है कि एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा, जब हम माइनस करें तो सेम यही आंसर आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, देखिए 1, 10, 100, 1000, देन 10,000। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जैसे फर्स्ट वाला नंबर है, देखिए फर्स्ट वाला ये नंबर दिख रहा है, इसमें ये ब्लैंक खाली है, लेकिन ये बाकी 3, 6, 5, 4। अब ये फर्स्ट वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, हम फर्स्ट वाले नंबर को बोलते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं? मिलियन। फर्स्ट वाला नंबर होता है मिलियन। देन सेकेंड वाला नंबर जो होता है वो होता है सब्ट्रैक्ट। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। देखिए इस तरीके से, फिर जो यानी मिलियन को सब्ट्रैक्ट से जब हम माइनस करते हैं तो वो आंसर होता है अपना डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। देखिए इस तरीके से मिलियन सब्ट्रैक्ट देन डिफरेंस, फर्स्ट नंबर मिलियन देन सेकंड नंबर सब्ट्रैक्ट देन आंसर डिफरेंस, ये अपना डिफरेंस होता है। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यानी एम एस और डी में मिलियन मतलब करती हूँ। जैसे आप हमें ये नीचे का नंबर फाइंड आउट करना है 9, तो इसका फॉर्मूला होता है यानी डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंस इक्वल टू मिलियन माइनस सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्ट, यानी मिलियन को सब्ट्रैक्ट से जब हम माइनस करते हैं तो अपना डिफरेंस आता है। यानी जैसे ये 4 है और नीचे 5 है, 4 में से 5 नहीं जा सकता तो ये इसे बोरो लेगा, यानी ये बना 14, देन 14 में से 5 को जब हम माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 9। आप काउंट करके देख लीजिए, 14 में से 5 को आप माइनस करिए तो आपका आंसर आएगा 9, और ये इसने इससे बोरो लिया था तो ये हो जाएगा 4, यानी 5 हो गया 4। अब 4 में से 6 नहीं जा सकता है, हमें डिफरेंस पता करना है। क्या पता करना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस का फॉर्मूला है मिलियन माइनस सब्ट्रैक्ट, यानी मिलियन को हम सब्ट्रैक्ट से माइनस करेंगे तो 4 में से 6 नहीं जा सकता, तो 4 इससे कैरी लेगा। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, नंबर नहीं है, अब हमें नंबर बताना है, तो इसने इससे कैरी लिया तो ये हो गया 14, 4 हो गया 14, तो 14 में से 6 को हमें माइनस करना है, तो 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, देन 14, 14 में से 6 को माइनस किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना बचा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर आ गया 8, यानी अपना डिफरेंस आ गया 8। अब यहाँ 100 की प्लेस में मिनियन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मिनियन। जब मिनियन फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला आ जाता है डिफरेंस प्लस सब्ट्रैक्ट, यानी ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है नंबर यहाँ पर 100 की प्लेस में 1, डिफरेंस को हम प्लस कर देंगे सब्ट्रैक्ट से, यानी 1 को हमने 7 से प्लस किया, 1 को हमने 7 से प्लस किया तो आंसर क्या है अपना 8। अगर हम यहाँ 8 लिखते हैं तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचता है, ठीक है अपना करेक्ट है, लेकिन इसने इसे बोरो लिया था तो यहाँ 8 यानी एक नंबर हम बढ़ा देंगे, यानी यहाँ आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा? 9। तभी तो ये इसको बोरो देगा, यानी 9 ने इसको बोरो दिया तो ये हुआ 8। अब हम 8 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। क्या आएगा? 1। इसी तरीके से नेक्स्ट, यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो 16
माइनस करना है, तो 16 ये इस लाइनें कितनी है हैंड में, 15 देन 16, 16 में से 9 को हम माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 क्या आया यहाँ पर, 7 आया। इसी तरीके से 2 में से 1 गया यानी 1। तो इसी तरीके से स्टूडेंट हम ये वाला जो मिसिंग सेल है करेंगे। अगर आपको ऊपर की डिजिट फाउंड आउट करनी है यानी मिनिमम पता करना है तो आप क्या करोगे, डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट से प्लस कर दोगे और एक डिजिट को बढ़ा के लिखोगे। और अगर आपको सब्ट्रैक्ट पता करना है यानी इधर के नंबर मालूम करने हैं तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला है मिनिमम को डिफरेंस से माइनस कर दोगे। यानी आपको सपोज ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है, ये पता करना है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को इससे माइनस कर दोगे यानी मिनिमम को डिफरेंस से माइनस कर दोगे। तो इस तरीके से हम इसे सेल करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो होमवर्क करके लाते हैं, मैं होमवर्क लिख रही हूँ, आप होमवर्क नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, ये होमवर्क है, आपको HW नोटबुक में करना है और जो मैंने समझाया वो CW में करना है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे से गूगल मीट में अगेन पूछ सकते हो, तो मैं आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दूंगी, मतलब समझा दूंगी। तो ये है मैथ्स का होमवर्क, पेज नंबर 53 एंड 54, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको HW में करना है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देन पीछे क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये HW नोटबुक में करना है और प्रैक्टिस कॉपी में तो सभी करना है, प्रैक्टिस करना है। देखिए आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट।